मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। मैं हरियाणा के सरस्वती नगर की निवासी हूं। मेरा फोन नंबर ये है। धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। आए हैं पति साथ में आए हैं क्या? हाथ हिलाओ। आंखों की रोशनी वापिस आ गई आपकी? ठीक है, दिख रहा है सब? हाथ हिलाओ वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम नीलम है और मेरे पति का नाम रविंद्र कुमार है। मैं हरियाणा के सरस्वती नगर की रहने वाली हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? बाबा की कृपा से मैं ही कथा के पंडाल में पहुंची हूं। गुरुजी, मेरे पति की दोनों आंखें बीपी की वजह से चली गई थी। आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों से जांच करवाई तो उन्होंने कहा था कि इंजेक्शन हर महीने लगेगा और वो इंजेक्शन लगने के बाद उसकी जब सूजन उतरेगी तब आंखों की रोशनी वापिस आने आ सकती है। पक्का नहीं कहा था उन्होंने कि इनकी रोशनी वापिस आ जाएगी, पर इंजेक्शन लगेगा तो रोशनी आ सकती है सूजन कम होने पर। इतना धन हमारे पास में नहीं गुरुदेव, हर महीने इंजेक्शन लगवाएं और आंखों की रोशनी के लिए हम कहां से धन लाएं? ऑपरेशन करने का बोला, जब इंजेक्शन लगेगा आंख की रोशनी कम हो जाएगी। कुछ महीने तक लगातार इंजेक्शन लगकर आंख की रोशनी लाने के लिए सूजन जब कम होगी, कम होने के बाद में इनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन करने के बाद इनकी रोशनी वापिस आ सकती है। कई जगह दिखाया, सभी यही बोल रहे थे डॉक्टरों कि इनके एक इंजेक्शन लगेगा, सूजन उतरेगी, फिर ऑपरेशन होगा, इसके बाद में रोशनी आएगी। बाबा, ऑपरेशन के लिए पैसा कहां से लाते, इतना धन नहीं था। तब हरिद्वार की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और आपने उस समय पर रात्रि के 9:15 वाला एक उपाय बताया था जिसमें शंकर जी की पूजन करना थी, वो पूजन करना प्रारंभ करा, उसका जल इनकी आंखों पर लगाना प्रारंभ करा। हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर वो पानी इनको पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम दूसरी बार फिर डॉक्टर के पास इनको लेकर गए और डॉक्टर से कहा कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, कोई दवाई हो तो दे दो। डॉक्टर ने कहा कोई दवाई नहीं, इंजेक्शन से ही काम होगा, और इंजेक्शन महंगा था गुरुदेव। हम वापिस आ गए, धीरे धीरे रुद्राक्ष का जल उनकी आंखों में लगाते, आचमन कराते और शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, एक भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे पति की आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आई। एक बार वापिस आते ला दो। हर हर महादेव। बैठी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, अवघड़ी है शंकर।